न्यूज डिवाइन के एक नए अंक में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। निरंकारी जगत की शुभ सूचनाएं एवं दिव्य समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ राकेश। नमस्कार, धन निरंकार। तो दोस्तों, जनवरी 2014 की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। टाइम टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ ब्लिसफुल न्यूज फ्रॉम द निरंकारी मिशन। फर्स्ट द हेडलाइंस। न्यू ईयर ब्लेसिंग्स ऑफ हिज होलीनेस रीजनल सेल्वेशन टूर्स मिशन ओवरसीज 47th महाराष्ट्र समागम SNCF डायरी एंड अदर न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2014 का प्रारंभ हुआ 1 जनवरी की शाम को नववर्ष के सत्संग से, जो निरंकारी सरोवर के सामने स्थित समागम ग्राउंड्स में आयोजित किया गया। यहां हर वर्ष की तरह निरंकारी राजमाता जी के जन्मदिन को भक्तों ने बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया। नए साल पर सदगुरु बाबा जी ने अपने पावन आशीष कुछ इस प्रकार दिए। आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और राजमाता जी के जन्मदिन के भी सभी को मुबारकबाद प्राप्त हो। साध संगत जी धन। और अब समाचार प्रादेशिक कल्याण यात्राओं के। जनवरी 2014 में सदगुरु बाबा जी की कल्याण यात्राएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के भक्तों को आध्यात्मिक लाभ देने पहुंची। आइए देखें ये विस्तृत रिपोर्ट। सबसे पहले 5 जनवरी को यूपी स्थित ताजमहल के शहर आगरा में भक्तों ने अपने सर के ताज सतगुरु का पलकें बिछाकर स्वागत किया। गुरुदेव व पूज्य माताजी ने एक विशाल समागम में आए हजारों श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किए। जन कल्याण के इस कारवां का सिलसिला 10 तारीख को हरियाणा के ही पानीपत और 11 तारीख को यमुनानगर जा पहुँचा। यमुनानगर में हालांकि सत्संग का कोई विधिवत कार्यक्रम नहीं हुआ, पर भारी संख्या में अपने ईष्ट के दर्शन करने पहुंचे भक्तजन गुरुदेव के आगमन पर गदगद हो उठे। इसी शाम सतगुरु बाबा जी लुधियाना पहुंचे। गुरुदेव के आगमन पर हर ओर आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। द डेवोटीज फ्रॉम वेरियस सिटीज एंड विलेजेस ऑफ पंजाब वेलकम्ड एंड थैंक्ड देयर लॉर्ड मास्टर विद ए मेलोडियस बुके ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स। तुनक तुनक जदों तू बाए है वजदा, तुनक तुनक जदों तू बाए है वजदा, तुनक तुनक तू बा बोलदा नहीं थकदा, तुनक तुनक तू बा बोलदा नहीं थकदा, सबना नु दसे हुण किसे तो नहीं चकदा, सबना नु दसे हुण किसे तो नहीं चकदा, हां तुनक तुनक तू बा बोलदा नहीं थकदा, सबना नु दसे हुण किसे तो नहीं चकदा, सबना नु दसे हुण हीरे नू है मिले आए ओयो तुम्बा दोस्तो, हीरे नू है मिले आए ओयो तुम्बा दोस्तो, जेड़ा तुम्बा बड़ मीरा, जेड़ा तुम्बा बड़ मीरा, गाउंदी गुण शाम दा दिल विच बच्चे, दिल विच बच्चे माया तुम्बा तेरे नाम दा, दिल विच बच्चे माया तुम्बा तेरे नाम दा, दिल विच बच्चे माया तुम्बा तेरे नाम दा। इसी भक्ति संगीत सम्मेलन में 12 जनवरी के आगमन पर पूज्य माताजी के जन्मदिन की खुशी भी मनाई गई। 12 जनवरी को पंजाब के जालंधर शहर में एक विशाल सत्संग समारोह हुआ, जहां एक बार फिर हजारों श्रद्धालुओं ने गुरु के दर्शन के साथ भक्ति लाभ भी प्राप्त किया। एन इंस्पायरिंग एग्जीबिशन वॉज ऑल्सो डिस्प्लेड इन जालंधर शोकेसिंग द हिस्ट्री एंड आइडियोलॉजी ऑफ द मिशन। 13 जनवरी को पंजाब के मलेरकोटला और 14 जनवरी को हरियाणा के अम्बाला शहर में रहमत बरसाकर जूर बाबा जी 19 जनवरी 2014 को मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर पहुंचे। 20 जनवरी को मध्य प्रदेश के गुना और 21 जनवरी को इंदौर शहर में इसी प्रकार के समागमों पर हजारों भक्तों ने गुरुदेव के दर्शनों व भक्ति रस से अपने मन को पावन किया। इंदौर में तो आसमान से बूंदें भी बरसती रहीं, पर भक्तों की श्रद्धा पर इसका कोई प्रभाव न हुआ। 22 जनवरी को महाराष्ट्र के धुलिया शहर में होने वाले सत्संग में भी कुछ इसी प्रकार का रूप बना। एक ओर इंद्र देवता की कृपा और दूसरी ओर गुरुदेव की कृपा, भक्त अपने अटल विश्वास के साथ समागम करते नजर आए। इसके बाद गुरुदेव 23 जनवरी को मुंबई पहुंचे, जहां 29 जनवरी तक महाराष्ट्र समागम की रौनकें लगी रहीं और 30 जनवरी को बाबा जी व पूज्य माता जी ने पुणे पहुंचकर संतों को निहाल किया। महीने के अंत में 31 जनवरी को दिव्य जोड़ी का आगमन कोल्हापुर में हुआ, जहां भक्ति का एक और समागम हुआ और हजारों भक्तों ने इसका लाभ उठाया। तो दोस्तों, ये थे प्रादेशिक कल्याण यात्राओं के समाचार। अब खबरें मुंबई समागम की।
प्रादेशिक समागमों में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सबसे पहले 24, 25 और 26 जनवरी को महाराष्ट्र का मुंबई समागम खारघर क्षेत्र में संपन्न हुआ। 29 दिसंबर को मुंबई समागम का शुभारंभ एक बाइक एंड साइकिल रैली से हुआ, जहां मिशन के प्रेम, भक्ति और सहनशीलता के संदेश को समाज तक पहुंचाया गया। मुंबई समागम पर एक विस्तृत रिपोर्ट देखते हैं, जिसे लेकर सीधे समागम ग्राउंड्स मुंबई से हमारे साथ हैं न्यूज डिवाइन के विशेष संवाददाता। महाराष्ट्र 47व्या निरंकारी संत समागमामध्ये आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे। आज समागमाचा पहिला दिवस आहे। आपण बघू शकत आहोत इथे शोभायात्रा का एक आयोजन किया गया है। इस वक्त हम देख रहे हैं हुजूर बाबा जी और पूज्य माता जी पालकी में सवार हो चुके हैं और एक बैंड हुजूर बाबा जी की पालकी के आगे से होकर गुजर रहा है और इसी के पीछे महिलाओं की भी एक टीम साइकिल रैली द्वारा हुजूर बाबा जी के सामने से होकर के गुजर रहे हैं। हर कोई जो है एक चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लिए हुए अपने सदगुरु को अभिवादन कर रही है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत भारी संख्या में महापुरुष अपने सदगुरु की एक झलक पाने के लिए यहाँ शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। भाव हो अपनत्व का, मिलवर्तन का, ये इसका जीती जागती मिसाल ये महापुरुष अब हमें यहाँ पर देते दिखाई दे रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर बस एक ही खुशी है कि हमें हमारे सदगुरु के दर्शन हो रहे हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं खारघर नवी मुंबई के ग्राउंड्स पे। अभी कुछ ही समय में यहाँ से बाबा जी का आगमन होने वाला है और इतनी तादाद में महापुरुष मौजूद हैं। ना किसी को गर्मी की परवाह है, ना मौसम की चिंता, सब बस यहाँ नजरें बिछाए बैठे हैं कि कब उनके सदगुरु का आगमन होगा। कहने को तो ये महाराष्ट्र का समागम है, पर यहाँ देखा जाए तो नुमाइंदगी हर प्रांत से, भारत की हर जगह से है। और सिर्फ प्रांत ही क्यों, ये देश ही क्यों, बल्कि विदेश से भी कई महापुरुष आए हैं जो यहाँ इन्हीं ग्राउंड्स में या आसपास रह रहे हैं और इस 3 दिन के समागम का लुत्फ उठाने, मज़ा लेने के लिए बेकरार हैं। सबका मकसद, सबका पर्पस क्या है, और वो है प्यार, जो यहाँ दोनों हाथ फैला कर दिया और लिया जाता है। यहाँ जिस ओर चले जाए यूँ लगता है जैसे प्यार का ही सागर उमड़ उठा है। जिस तरह पिछली बार हमने देखा कि वननेस या एकत्व का नारा यहाँ गूंजा, उसी तरह इस बार पुरजोर तरीके से कहा जा रहा है ह्यूमन वैल्यूज पे जोर देने के लिए। ना सिर्फ कि यहाँ मानवीय गुणों की बातें हो रही हैं, बल्कि यहाँ हमें साक्षात नजर आ रहे हैं कि कैसे कैसे महापुरुष इतनी लाइन्स होने के बावजूद पेशेंस और टॉलरेंस के साथ लाइनों में घंटों लगे रहते हैं अपने गुरु के दर्शन के लिए। यहाँ किसी को अपने धर्म, अपनी जाति, अपने प्राण से कोई लेना देना नहीं है। सब साथ में बैठकर लंगर भी करते हैं और सत्संग भी करते हैं, और प्रेम तो यहाँ ऐसा है कि जिसका कोई शब्द ही नहीं बयान करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि एक फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी होने के बावजूद यहाँ चारों ओर देखें तो लगता है जैसे कोई मेला सा लगा हो, पर अनुशासन की तुलना कर ही नहीं सकते। इतने अनुशासन में ये आध्यात्मिक प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा रहा है। जब इतनी तादाद में लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या उतनी व्यवस्था है इतने सारे लोगों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए? तो उसका जवाब है कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। महीनों पहले से ये व्यवस्थित कार्य शुरू हो जाते हैं, चाहे वो ग्राउंड्स हों, चाहे वो रहने के लिए रिहायशी टेंट्स हों, लंगर हो, कैंटीन्स हो, फर्स्ट एड हो, सब कुछ यहाँ लाया गया है और हर एक चीज़ की तैयारी यहाँ पूरी तरह से की गई है ताकि किसी को किसी तरह की कोई कमी, कोई असुविधा ना हो। तो आइए इसी नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, सादिका कैमरामैन सनी के साथ समागम ग्राउंड नवी मुंबई। इस विशाल समागम के अवसर पर अमेरिका से आई डॉक्टर्स की एक टीम ने हजारों भक्तों का मुफ्त इलाज भी किया। कीरोप्रैक्टिक एक्सपर्ट्स, ये सभी विशेषज्ञ ऐसी सेवा पाकर स्वयं को धन्य मानते रहे। My name is Hari Simran Singh Khalsa. That Babaji has provided such an opportunity to organize this mission. So we hope we've helped a lot of people by giving chiropractic care to a lot of people who may not have gotten it otherwise. And it's very inspiring seeing all of the people come here just to help other people. And if we had more of that in the world, I think the world would be a better place. So we really appreciate the opportunity to provide seva. It seems like it's just for them, but it's so much for us too. It's so much such a life-enriching experience for us to provide care in India. Hi, I'm Dr. Alison Bale. I'm originally from the UK. But I'm currently in practice in Goa, in India, as a chiropractor.
This is my second Samagam. I was in Delhi and now I'm in Mumbai. I just feel that it's a great honor to be here. And it's very, very exciting. It's a wonderful opportunity to help a lot of people who perhaps wouldn't otherwise normally have access to chiropractic care. And it's just a great experience for me. It's a very different way of working, seeing a lot of people very quickly. And knowing that you can't always help them with everything that they've come with, but we do what we can with the right heart and the right spirit. I also just find it a great honor to be here at the mission. The message of tolerance and peace, the idea that we are all one, is deeply needed all over the world. I had a sense in Delhi, and I have it here, that if India could simply capture the spirit that prevails here in the mission every day in every way across the country, I think India would probably be the envy of the world. Hello, I'm Dr. Ezekiel Rutledge. And the reason I wanted to come to India on this mission trip was essentially to give back to the people. And I've never been to India. I always heard that it was such a friendly and spiritual place. And I basically wanted to come give back to the people and share love, because I've always heard and I've always known that India was a place of spirituality. And in my life, I've never really encountered such great warmth and just giving spirit. And I've been taken back essentially by just the kindness and the warmth that I feel in my heart. Hi, my name is Dr. Jimmy Nanda from Toronto, Canada, and I'm here at the Sant Nirankari Mission Samagam in Mumbai. Now, there's 19 doctors here today in January of 2014. They've come here and they were totally blown away by the love, by the compassion by our Nirankari Mission and the people that come here. My feeling is and my understanding is we're going to have 30 to 40 by November Samagam. So this is Sadhguru's blessing that everything's happened. We just pray and hope that we can serve as many people as possible and get them checked and actually treated the right way. And if anything comes out of this for us, it's truly the humanity's sake that we're able to serve them. अपने सारे व्यूअर्स को हम ले आए हैं 47वें महाराष्ट्र संत समागम के बीचों बीच। दिन है दूसरा और हो रहा है सेवादल रैली। इस सेवादल रैली में अभी कुछ ही लम्हों पहले बाबा जी का आगमन हुआ। इस पैच से होते हुए बाबा जी सारे सेवादल के महापुरुषों को आशीर्वाद देते हुए स्टेज की ओर बढ़े। और यहाँ पर सेवादल सिर्फ मुंबई के डिफरेंट यूनिट से नहीं, महाराष्ट्र के डिफरेंट यूनिट से, गुजरात के डिफरेंट यूनिट से हमारे बीच में आए हैं। हम सब जानते हैं कि ये सेवादल सिर्फ यही मौजूद नहीं है। इस समागम में कैंटीन हो, लंगर के ग्राउंड हो, ट्रैफिक की ड्यूटीज़ हों, प्याऊ की ड्यूटीज़ हों, कितनी ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जहाँ पर सेवादल ना दिन देखता है ना रात देखता है। जहाँ इतनी बड़ी तादाद में सेवादल के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उतनी ही बड़ी तादाद में सेवादल की बहनें भी यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ से हम वापस चलते हैं राकेश जी के पास, कैमरामैन सनी के साथ अवनीत खारगर, नवी मुंबई से। ये था ब्यौरा मुंबई समागम का, और अब आइए देखें समाज कल्याण में किए गए मिशन के प्रयासों का संक्षिप्त विवरण SNCF डायरी में। Various blood donation camps were also organized by the Charitable Foundation. A special camp was also organized by SNCF for thalassemic children. 27 जनवरी 2014 को मुंबई के प्रेमदान समाज सेवा केंद्र खारघर में मिशन की ओर से 58 अनाथ बच्चों को बाबा हरदेव सिंह जी की जीवन संगिनी पूज्य माता सविंदर जी ने ऊनी कपड़े बांटे। ये केंद्र मदर टेरेसा ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। SNCF द्वारा समय समय पर शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज कल्याण के कई योगदान लगातार दिए जा रहे हैं। जहां निरंकारी मिशन आध्यात्मिक स्वास्थ्य के प्रति समर्पित है, वहीं SNCF द्वारा शीघ्र ही एक विशाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भारत में नई दिल्ली में बनाने की योजना है। एंड नाउ द न्यूज ऑफ द मिशन फ्रॉम द फॉरेन वर्ल्ड। मिशन ओवरसीज, यानी दूर देशों में मिशन के अनुयायियों व सेवादारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा। The children of Sant Nirankari Mission's branch in Houston, USA participated in the Republic Day flag hoisting celebrations at India House, Houston on 26th January 2014.
The volunteers of Yorkshire join hands with the local community to help the Bradford Environmental Action Trust in their efforts towards a greener and cleaner environment by planting 600 saplings at the Sharps Woods, Stony Ridge, Gottingley. Mr. Ian Butterfield, the project manager of Forest of Bradford, thanked and praised the efforts of the mission. On January 11, 2014, an interfaith dialogue assembly was organized by the Seattle branch of the Sant Nirankari Mission. Spiritual guides from different faiths, including First People, that is Native Americans, Hinduism, the Jewish community, Christianity, and Islam, shared their ideology, and everyone stressed on the need of religion in uniting people all over the world. ये थे समाचार विदेश से और अब अन्य समाचार। दिल्ली व आसपास के कई शहरों में सतगुरु बाबा जी ने अनेक सत्संग कार्यक्रमों के माध्यम से जहां अपने भक्तों को निहाल किया, वहीं समाज में भी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। सतगुरु की कल्याण यात्राओं के साथ साथ हम सबके लिए भक्ति और स्नेह की प्रतीक निरंकारी राजमाता जी ने भी अनेक स्थानों पर जाकर अपनी कृपा और ममता की छाया का वरदान दिया। कई स्थानों पर मिशन के प्रचार विभाग की ओर से बाल समागम आयोजित किए गए। आने वाले महीनों में आयोजित होने वाले प्रादेशिक समागमों की सूचना भी मुंबई समागम पर दी गई। मार्च की 1 और 2 तारीख को हरियाणा का प्रादेशिक समागम नारनौल डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में होना तय हुआ है। इसी श्रृंखला में राजस्थान का समागम 8 और 9 मार्च को चित्तौड़गढ़ में होगा। फरवरी महीने के साथ जुड़ी होती है गुरु पूजा दिवस की खुशी और इस अवसर पर भक्तों को जहां 21 तारीख को एक सूफी शाम का नज़ारा देखने को मिलेगा, वहीं 22 तारीख को सेवादल रैली, फाउंटेन ऑफ वननेस पर लाइट एंड साउंड शो और 23 फरवरी को गुरु पूजा दिवस की सत्संग के रूप में भी आनंद प्राप्त करने को मिलेगा। तो ये था निरंकारी जगत की जनवरी 2014 की खबरों का बुलेटिन। न्यूज़ डिवाइन के इस नए प्रयास को आप सभी दर्शकों की अभूतपूर्व प्रेम और शुभकामनाएं मिल रही हैं, जिसके लिए हम आप सबके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अपने फीडबैक्स हमें इसी प्रकार भेजते रहें। हमारा ईमेल आईडी है newsdivine@nirankari.org। फरवरी 2014 के समाचारों को लेकर के हम हाजिर होंगे अगले महीने यानी मार्च 2014 की 10 तारीख को। तब तक दीजिए इजाज़त अपने मित्र राकेश को। नमस्कार, धन निरंकार।